योगी राज में माफिया अपराधी जहां घुटनों पर आ गए हैं, वहीं अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी हेकड़ी अभी तक निकली नहीं। अभी भी योगी के दोबारा सत्ता में आने और उनकी सख्ती का उन पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है, तभी तो खौफ नहीं है और सरेआम धमकीबाजी चल रही है, वो भी किसके बल पर? आजम खान के बल पर, जो खुद इतने समय से सीतापुर जेल में बंद है, बाहर आने के अथक प्रयास कर चुके हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। उन आजम खान के बल पर हेकड़ी दिखाकर इन साहब को लगा था कि उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा, लेकिन ये योगी के राज वाला उत्तर प्रदेश है जनाब, यहाँ पर बदतमीजी दिखाएंगे तो आपको छुआ भी जाएगा और तरीके से जमीन पर भी लाया जाएगा। ये जनाब है यूसुफ मलिक, रामपुर के सपा नेता यूसुफ मलिक, सपा विधायक आजम खान के बेहद करीबी। मुरादाबाद जिला प्रशासन ने इनकी अकड़ को शांत करने के लिए इन पर एनएसए लगा दिया है। ये फिलहाल तो रामपुर जिला जेल में बंद है। इन पर आरोप है कि इन्होंने मुरादाबाद नगर निगम के अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को फोन पर धमकी दी है। दरअसल यूसुफ मलिक के दामाद डेनिल पर 23 लाख बकाया होने पर मुरादाबाद नगर निगम टीम ने कुछ दिन पहले उनका मकान सील कर दिया था। बस इसी बात से नाराज हो गए सपा नेता यूसुफ मलिक। 26 मार्च को उन्होंने नगर निगम के महिला अधिकारी दीपशिखा पांडे से बदसलूकी की। अपर नगर आयुक्त के मुताबिक यूसुफ मलिक ने कहा था, तुम मुझे नहीं जानते, मैं 20 साल पुराना गैंगस्टर हूँ, कई हत्या कर चुका हूँ, मैं आजम खान का राइट हैंड हूँ और उस समय से गैंगस्टर हूँ जब से मैं पायजामे का नाड़ा बांधना नहीं जानता था। यदि तुमने मेरे दामाद की कोठी की सील नहीं खोली तो मैं तुम्हारी सरकारी कोठी को सील कर दूंगा और तुम्हारी हत्या कर दूंगा। आप हनक देखिए इन साहब की, खुद को गैंगस्टर बता रहे हैं, हत्यारा बता रहे हैं और फिर एक और हत्या करने की धमकी भी दे रहे हैं। अब जब यूसुफ मलिक ने इस तरह की हिम्मत दिखाई है तो कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना चाहिए था। आ गए हैं योगी सरकार के निशाने पर। अपर नगर आयुक्त ने यूसुफ मलिक, उसके दामाद डेनिल, भाई यूनुस मलिक और अन्य के खिलाफ 26 मार्च को FIR लिखी थी। यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। 5 अप्रैल को मलिक ने रामपुर की कोर्ट में सरेंडर कर दिया। पुलिस ने यूसुफ के भाई को भी गिरफ्तार किया। समाजवादी पार्टी नेता यूसुफ मलिक पर अलग अलग धाराओं में करीब 17 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उनमें ज्यादातर मामले रामपुर और मुरादाबाद से जुड़े हैं। अब देखते हैं यूसुफ मलिक पर योगी राज में कार्रवाई और कितनी सख्त होती है। वैसे आप यूसुफ मलिक पर रासुका लगाए जाने की योगी सरकार के फैसले पर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।